बज रहे हैं सुबह के 4, रात के 3, अभी 4:20 हो रहे हैं, अभी बुक खोली है पहली बार, और मैं बैठ के ऑफिस का काम कर रहा हूँ, और कल मेरा पेपर है, देख रहे हो कितने बुरे हाल हैं, मतलब कल पेपर और बैठ के ऑफिस का काम करना पड़ रहा है। मैं कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लेता हूँ, फिर दोबारा पढ़ाई करने बैठ जाऊँगा, बहुत मतलब बहुत सारा लोड हो जाता है सर के ऊपर, कितना सारा काम करना पड़ता है। चलिए जुड़ जाते हैं फिर से बिजनेस कम्युनिकेशन में, मीटिंग्स के बारे में कि मीटिंग्स क्यों की जाती हैं, कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, कैसे कम्युनिकेशन कब करने चाहिए, किस किस तरह के इंटरव्यू होते हैं, अभी तो यही सब पढ़ रहे हैं, लगभग सिलेबस हो गया है, देखते हैं कि सिलेबस हो ही जाएगा, फिर देखते हैं पेपर कैसा होता है। इतनी भयंकर नींद आ रही है ना, मुझे भी पढ़ना पड़ रहा है, बहुत तेज नींद आ रही है। तो अभी तो लेट थे हैं, सोते हैं, क्योंकि अभी अक्षर ऊपर नीचे दिख रहे हैं, अभी कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, 1-1.5 घंटा सोते हैं, फिर दोबारा पढ़ने बैठेंगे। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं या रात के 3 बज रहे हैं, मतलब जो भी है 3 बज रहे हैं, नीचे वाला ना गेट बंद है, तो मैं उठाता नहीं मम्मी पापा को, तो अभी पानी भरने आया हूँ, पानी भर के ऊपर ले जाता हूँ, फिर पढ़ाई करते हैं। जब सब कुछ कर रहे होते हैं तो यही हाल होता है, ऑफिस का काम, व्लॉगिंग, पढ़ाई, टाइम पर कुछ पता ही नहीं चलता। नींद आ रही है, नींद आ रही है, मगर पढ़ना जरूरी है, पता नहीं कब चीज़ों का रिजल्ट आएगा। सब कुछ साथ में कर रहे हैं, अपना खुद का कुछ काम है वो भी कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, बस एक चीज़ का वेट है कि यूट्यूब से कब सक्सेस मिलेगी। तो समय हो गया, कभी कभी लगता है पता नहीं क्या होगा, मगर यह बस ये पता है कि मैं कोशिश करता रहूँगा। बहुत समय हो गया, बहुत सी चीज़ें करते हुए, मैंने खुद का अपना मतलब मैंने वेटर वाला काम किया, मैंने अपनी स्टॉल लगाई, बीच में एक बार दिमाग में आया था कि जैसे चेस में आगे बढ़ जाता हूँ, चेस खेलता था काफ़ी ज़्यादा, फिर SSC की तैयारी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें करते 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 यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ, देखते हैं क्या होता है यार। तो अभी मम्मी आई थी, मेरे को फ़ैन खिला के चले गई, फ़ैन नहीं होते हैं वो पंखे वाला फ़ैन नहीं, चाय में डिप करके फ़ैन खाते हैं वो, तो मम्मी आती है ध्यान रखती रहती है कि वो चाहिए तो नहीं मेरे को बार बार आके। तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, देखते हैं कैसा पेपर होता है। ध्यान दे दीजिए, क्या खाना खाएगा नहीं तो बाद में ऐसे खाना स्किप कर देगा ऐसे। तुम पेपर देने के लिए वो भाई साहब इतना पढ़ाई करता है, निकल गया ना, दो तरफ से निकल गया ना मेरे। तो मेरे वहाँ पे लड़का बैठता है पढ़ने के लिए, वैसे वो ग्रुप में दिखाता है कि बहुत पढ़ता है, मगर जब वहाँ आते हैं ना मेरे से क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा होता है यार, एक पे छोड़ दूँ यार, दो पे जिसके लिए छोड़ दूँ, मुझे समझ नहीं आता मतलब क्या करता है भाई, इतना पढ़ाई करता है फिर उसके ऐसे पूछ रहा होता है, पॉइंट्स पूछ लो, पॉइंट्स बता देंगे, ऐसा कौन पूछता है। अपना खाना खा तो भिंडी है, पराठे हैं, ऑमलेट है और मैंगो शेक है। खाना खाते हैं फिर दोबारा से पढ़ाई करने के लिए जुट जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे चल रहा है फ्लाइंग डिस्क का व्लॉग, फटाफट से ऊपर जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। कर सकते थे उतनी जितना कर सकते थे तो तैयारी कर ली है, अब जाएंगे पेपर दिन नहाते हैं और फटाफट से रेडी होते हैं, लेट हो रहे हैं मतलब कि लेट हो पड़े, बाहर बाहर काम कर रहे हैं, टाइम नहीं बिल्कुल, लगे पड़े थोड़ी देर रहिए। यहाँ पे हम लोग हो गए हैं जाने के लिए तैयार, रेडी शेडी हो चुके हैं, फटाफट से निकलते हैं और पेपर दे जाते हैं। तो ये सारी बॉटल में क्या पानी ठंडा हो गर्म होता है, तो पापा ने कहा ये बॉटल ले जाता हूँ, ठीक है ले जाता हूँ, वैसे देते नहीं आज दे दिया है, बता रहा हूँ देते हैं ना, क्या होता है ठीक पर सवाल कर रखो। बहुत तगड़ी गर्मी होती है यार, पूरा शरीर जल जाता है वहाँ जाते हैं, तो मैं अलग लेट आता हूँ और ये बाद में अलग से लेट करवाती हूँ, यहाँ मेकअप करके आई है मेकअप पेपर देने के लिए, तो पेट्रोल भी भरवाना है, मजा आ रहा है ना, लेट हो चुके हैं, मैंने सुबह सुबह मैंने सारा सिलेबस कर डाला, सोच क्या किया होगा, बोला मास्क लिया करनी, मैं चश्मा लेकर चश्मा लेने गया, 15 मिनट वहाँ लगा के आ जाएगी चश्मा लेने में, बंदे के इसको बहुत सारा पेपर आता हो, जल्दी चल जल्दी चल, पेपर आता नहीं है उसको, यूनिट वन होगी जो करी है वो भी ढंग से आती है, लैंग्वेज इतनी खतरनाक है यार। वो रास्ते तो बंद है, पीछे ना वो डाइवर्जन लिख रखा है, आगे एयरपोर्ट बन रहा है ना, तो आज रास्ता बंद है, तो पता नहीं कहीं और से घाम के गलियों से होके जाना पड़ेगा, तो देखते हैं रास्ता कहाँ से मिलता है, ढूंढते हैं, देखते हैं सही समय पेपर देने पहुँच ही पाते हैं कि नहीं। ये नया रास्ता है एयरपोर्ट का, हमें इस रास्ते से जाना है, ये देखते हैं, हाँ ये रास्ता दिख गया, पता नहीं ये रास्ता नया है और ये रास्ता पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, डाउट हो रहा है मेरे को पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे इस रास्ते पर, ढक के आते हैं कि भाई धूप ना लगे, गर्म ना हो जाए दिमाग और सर, क्या दिख नहीं रहा, अबे ये तो डर, कैसे तैयारी तेरी, मम्मा का जब पेपर देने पहुंच चुके हैं,
टच हो गया, हम लोग पेपर देने और तैयारी कुछ भी नहीं है, देखते हैं पेपर कैसा होता है। मेरी तो है ठीक है, इसकी भी तैयारी नहीं है, झूठ बोल रही है, इसने तो इसका तो कोई काम भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं करी इसने। तो रस्ते में आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब इतनी गर्मी थी कि मेरे हाथ जल गए पूरे स्कूटी चलाते हुए। तो आइसक्रीम मिल ली, थोड़ी सी आइसक्रीम खा लेता फिर पेपर देने जाऊँगा। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, बहुत ज़्यादा। मज़ा है, देखो देख मेरा पानी क्यों खाली कर रही है रे, आइसक्रीम नहीं खा रहा। इतनी तेज स्कूटी चल रही थी ना, ऐसा लगा था हाथ जल जाएंगे, जल ही गए, बाल जल गए ऊपर के मेरे। माँ के भाग लिया, अपना तूफान मचा के आएंगे। सही है, तू मेरी क्लास में नहीं है, इतनी चीटिंग करती ना, बताता लोगों को। यहाँ पे तैयारियाँ चल रही पेपर की, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पेपर चल रहे हैं। पेपर कैसा हुआ? शर्म आ रही है, ब्लॉग बना रहा, शर्म आ रही इसको। पेपर तो हो गया एकदम जबरदस्त, किसी तरह पता नहीं कैसे अच्छा हो जाता है, पढ़ के कम जाते हैं पेपर अच्छा हो जाता है। एरी पेपर तो एकदम सही हो गया, मतलब इतना बड़ा पेपर था ना कि लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे, आखिरी तक लिखते ही रहे, ख़त्म ही नहीं हुआ था। सारे जा रहे हैं अपने अपने घर, जी अपना क्या बोलते हैं नकाब पहन रही है। यहाँ पे भैंसें भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, कारें भी, सब एक साथ चल रहा है, पढ़ाई भैंसें सब एक साथ है, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो हाथ में पेन नहीं है, पेन जरूरी है अभी, चल ना। नकाब धारी कर लिया एकदम, मुंह हाथ सब कवर कर लिया है, कहती मेरे अंदर कुछ तो है नहीं, गोरी हूँ, उससे काम चला लूंगी जिंदगी में। ये हमारा लास्ट पेपर था, इसके बाद ख़त्म, फाइनल डन, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर अपने काम करना शुरू कर देंगे फिर से। गर्मी हो रही है और यहाँ पे मस्त गन्ने का जूस पी लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, थोड़ा मज़ा आ जाएगा और थोड़ा फ्रेश एकदम पुदीना पुदीना का फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। पेपर तो मेरा एकदम बढ़िया हो गया, बच्चों को आज काफ़ी चीटिंग कराई, इतनी चीटिंग कराई थी, खुद पेपर खेलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, पेपर लगभग सारा आता था और जबकि मैंने पढ़ाई सिर्फ सुबह करी थी, मतलब 4-5 घंटे में सिलेबस कवर किया सारा का सारा। कितनी डेंजरस है देखो, तेरी की है। वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं आज मोमोज को। आज हमारा लास्ट पेपर था तो अच्छे से खा पी के पेट पूजा करके चलते हैं। यहाँ पे तूफान है, यहाँ पे अपने सामान निकाले जा रहे हैं, सारा सामान सब निकाले जा रहे हैं और यहाँ पे तूफानी मौसम हो रहा है एकदम। फहम दो सर, कोई बात नहीं, गलती होगी, ऐंदा ना करिए। हाँ छोड़ दी, हाँ सॉरी सॉरी बोल दी इसने, सॉरी सॉरी आगे से नहीं करूंगी, गलत काम है ना, इतना पढ़ के जावे फिर भी ऐसे करे कौन, तू मेरे से के बैठ रही है, चीटिंग करनी है पूरी, मेरा पट जा तो ना छोड़ दो। अबे इसके बाद का क्या सुन, अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो बस बिल्कुल बाल बाल बच्चे हैं, घर में घुसा हूँ और बारिश आने लग गई है, बाहर बारिश शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब पेपर वेपर देके एकदम थक गए हैं, अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर अगर टाइम मिला या एनर्जी बची रही तो फिर ऑफिस का काम करूंगा, मतलब बैंड बज जाती है पूरी की पूरी। तो नेहा बता रही थी उसकी क्लास में कोई आया होगा बूढ़ा आदमी, 70 साल का था और पेपर दे रहा था, वो पर्ची देख देख के लिख रहा था, पर्ची देख देख के पेपर दे ही क्यों रहा था पता नहीं, अरे पास कर लगा और फिर वो फ्लाइंग आ गई, कह रहे वो मतलब वो टीचर देख रहे थे, टीचर भी देख रहे थे उसको, पर्ची से देख देख के लिख रहा है, कुछ नहीं बोल रहे टीचर लोग, फ्लाइंग आई, हाँ सर क्या बात है, फिर भी लिखे जा रहा है वो लिखे जा रहा है, कह रहे सर चलो हम आपको लेके चलते हैं, फ्लाइंग से लेके चली गई वो लिखे जा रहा है, कमाल करता है। मस्त पेपर देख के आया आराम से, और आज तो रास्ता भी बंद था, घूम के गए वो एयरपोर्ट वालों ने रास्ता बंद कर दिया, एयरपोर्ट आगे पट्टी निकल रही तो रास्ते दीवार लगा दी, घूम के गए एयरपोर्ट बना दिया बीच रास्ते में, ऐसा कह रहा चाहता है तो हम जा रहे रास्ते में एयरपोर्ट बना दिया, कमाल हो गया है। मैं पेपर पहुंचे 2-3 मिनट पहले बस, है जैसे कहती हूँ जल्दी चला जाएगा 1 बजे घर से निकलता है।
पेपर देने गया ना तो वहाँ पे जो माथा है ना वो ऐसे जब पहुंचे ना वहाँ पे तो माथा ऐसे जल रहा था, मतलब पेपर देने बैठा ना फिर जल रहा था, जैसे आग लग रही सर के अंदर। मैंने कहा पेपर दिया जा रहा, लिखा जा रहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है, पैर में जूते नहीं पहन जा रहे, जूते उतार दिए, शरीर में कुछ गो हो रहा था, पपीते छूट रही थी, तो मैं जूते वूते उतार के पैर खोल के फिर पेपर दिए, तो बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, फिर भी किसी तरह से अच्छे पेपर करके आए हैं। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, शरीर पूरा सर टूट गया, ऐसा लग रहा है कमर टूट गई है, पैर टूट गया है। तो रेस्ट नहीं मिलेगा ना, बैठ ही सकते हो ना, काम से लेट जाएंगे जाके। कहाँ लेट जाओगे? वहाँ पे उस पर लेट जाएंगे, दो गद्दियाँ बिछी होती हैं। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने वहाँ पे गद्दियाँ बिछा रखी है ना, जिसपे जाके लेट जाओगे। ऐसा बोला गद्दियाँ बिछी होती है वहाँ जाके लेट जाएंगे, घास में लेट जाएंगे, कहीं मिट्टी में लेट जाएंगे, ये बोल सकता है घास में लेट जाएंगे मिट्टी में, गद्दियाँ बिछा रखी है किसी गार्डन में, एक नहीं कोई शहर है उसके अंदर किसी गार्डन में लेट जाएंगे सुबह सुबह। रात को दो घंटे सोए थे और दवा का काम किया है, इसलिए हो गया है, मस्त मम्मी से तेल लगवाता हूँ और फिर मस्त सोते हैं, आराम करते हैं, तो मस्त तेल लगवाने को इंजॉय, चंपी को इंजॉय करते हैं, आपसे मिलते हैं बाद में। तालिया।